क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। निम्नलिखित में रैखिक, द्विघाती एवं त्रिघाती बहुपदों को पहचानें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो देखिए इसमें हमको देखना है रैखिक, द्विघाती एवं त्रिघाती बहुपद। तो ये सब बहुपद हमको दिया हुआ है, इसमें पहचानना है कि कौन रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। तो यहां पे देखिए इसका घात से हम पहचानेंगे कि कौन रैखिक, कौन द्विघाती और त्रिघाती है। तो देखिए यहां पे घात 2 है, ठीक है। सबसे जो ज्यादा घात रहेगा इस बहुपद में, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बहुपद है, इसमें सबसे ज्यादा घात है 2, ठीक है। तो 2 हुआ द्विघाती, तो यहां पे लिखेंगे हम द्विघाती। देखिए यहां पे हम लिखेंगे द्विघाती, ठीक है। यानी पहला हुआ द्विघाती। अब देखिए दूसरा में, सात एक्स का घात 3 है, तो यहां पे देखिए घात 3 है, ठीक है। तो ये एक पद ही, लेकिन घात देखना है हमको, इसमें एक पद दो पद हमको नहीं लिखना है, द्विपद ये सब हमको देखना है कि द्विघाती त्रिघाती और रैखिक। तो यहां पे देखिए घात कितना है, 3 है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे त्रिघाती, तो यहां पे हम लिखेंगे त्रि त्रिघाती, ठीक है। दूसरा में अब देखिए तीसरा, एक माइनस एक्स, तो इसमें देखिए एक्स का घात कितना है, एक है, कुछ नहीं है तो एक है, ठीक है। तो जब एक घात है तो इसको बोलेंगे रैखिक। देखिए दो घात वाला को द्विघाती बोलते हैं, तीन घात वाला को त्रिघाती और एक घात वाला को रैखिक। तो यहां पे हम लिखेंगे रैखिक, ठीक है। यानी ये हुआ द्विघाती बहुपद, ये हुआ त्रिघाती बहुपद और ये हुआ रैखिक बहुपद। अब देखिए यहां पे चाहे कितना भी पद हो इसमें, बस हमको घात देखना है। तो 3 घात है सबसे ज्यादा, तो इसको बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे त्रिघाती। तो यहां पे भी हम लिख देते हैं त्रिघाती, ठीक है। अब देखिए बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4, तो यहां पे देखिए चाहे कितना भी बड़ा पद हो, 5-6 पद जितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमको घात देखना है। तो सबसे ज्यादा घात कौन से पद पे है, बाई पे, वो कौन कितना घात है, 2। तो 2 घात वाला क्या बोलते हैं, द्विघाती। तो यहां पे हम लिखेंगे द्विघाती, ठीक है। अब देखिए यहां पे √5 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2 t, यह देखिए t है, ठीक है। √5 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2 t, तो यहां पे देखिए सबसे ज्यादा घात 2 ही है, क्योंकि यहां पे t है सिर्फ, तो t का घात 1 हुआ, जब नहीं कुछ है तो एक घात है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा 2 घात हुआ यहां पे, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विघाती, क्योंकि 2 घात वाले को द्विघाती बोलते हैं, 3 घात वाले को त्रिघाती और जब कोई भी घात नहीं रहता तो उसको रैखिक। तो देखिए इसको हम लिखेंगे द्विघाती। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम हल कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों के एक एक उदाहरण दें। तो देखिए पहला में है 25 घात का एकपदी बहुपद, दूसरा में है 15 घात का द्विपदी बहुपद, तीसरा है 8 घात का त्रिपदी बहुपद, चौथा में देखिए 0 घात का एकपदी बहुपद, पांचवा में है 2 घात का त्रिपदी बहुपद, छठा में है 4 घात का द्विपदी बहुपद। तो एक एक उदाहरण देना है इन सबका। तो देखिए पहला में है 25 घात का एकपदी बहुपद, तो देखिए 25 घात का एकपदी बहुपद, तो यहां पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए कि कोई भी अंक एक पद में बस देना है। तो
तो देखिए मान लीजिए हम 5 लिख सकते हैं, कोई भी x का घात 25, ठीक है। तो देखिए बस हमको एक पद देखना है और 25 घात, तो 25 घात लगा देना है x y z t कुछ भी लिख के, और यहां पे कोई संख्या रख देना है, ठीक है। तो ये हो गया एक पद ही बहुपद जिसका कि घात 25 है, यानी इसमें आंसर जो किताब में दिया हुआ वो भी आप लिख सकते हैं, या अपने मन से भी कोई भी संख्या बना के, बस एक पद ही होना चाहिए और घात होना चाहिए 25, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आंसर ही लिखें इसमें, ठीक है। बस आप अपने मर्जी से कोई भी संख्या लिख सकते हैं, बस एक पद ही होना चाहिए और घात जो होना चाहिए 25 होना चाहिए, एक्स बाई कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इसमें भी कोई नंबर दे सकते हैं, बस उदाहरण देना है हमको। अब देखिए दूसरा, दूसरा हम कह रहा है 15 घात का द्विपदी बहुपद। तो देखिए यहां पे भी हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 5 बाई का घात 15 प्लस कुछ भी 3, ठीक है। तो ये देखिए दो पद हो गया इसमें, एक पद ये हुआ और देखिए अगर हम यहां पे 2 का घात 5 भी कर दे तो भी सही होगा, क्योंकि 15 घात का द्विपदी बहुपद, तो सबसे ज्यादा घात को 15 ही रखना है, 15 से ज्यादा नहीं बढ़ाना है, दूसरा वाला घात को कम ही रखना है, ठीक है। तो ये हो गया द्विपदी बहुपद 15 घात का, देखिए दो पद है इसमें तो द्विपदी हुआ, और सबसे ज्यादा घात 15 रखना है, तो हम यहाँ पे कोई भी संख्या रख सकते हैं, आंसर भी लिख सकते हैं, या अपने मन से यहाँ पे 2 भी रख सकते हैं, कोई भी नंबर, यहाँ पे एक्स भी रख सकते हैं, टी भी रख सकते हैं, ठीक है। बस सबसे ज्यादा घात 15 होना चाहिए और द्विपदी यानी दो पद होना चाहिए, देखिए बीच में प्लस आ गया तो दो पद हो गया। अब देखिए तीसरा में, तो तीसरा में देखिए कह रहा है 8 घात का त्रिपदी बहुपद। तो देखिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए हम टी लिखेंगे तो टी का घात कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, मतलब टी का नहीं कोई का, यू का भी ले सकते हैं आप, एक्स का भी ले सकते हैं, मतलब घात 8 होना चाहिए, क्योंकि 8 घात का त्रिपदी बहुपद कह रहा है, सबसे ज्यादा घात 8 होना चाहिए। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस 2t का घात 3 माइनस या प्लस कुछ भी ले सकते हैं 4, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, टी का घात 8 प्लस 2t का घात 3 माइनस 4। देखिए यहां पे 3 त्रिपदी बहुपद है यानी 3 पद है, देखिए एक पद दो पद तीन पद, और सबसे ज्यादा घात है 8, उसके बाद देखिए उसके उससे कम रखना है, यहां इन्हें यहां पे 9 कर देना है, 8 सबसे ज्यादा, 8 घात कह रहा है तो 8 को सबसे ज्यादा ही रखना है, उसके बाद 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए ये हो गया त्रिपदी बहुपद 8 घात वाला, ठीक है। अब देखिए 4 में, तो 4 में 0 घात का एक पदी बहुपद। तो देखिए कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम 2 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए 0 घात का एक पदी, तो एक पद हो गया 0 घात। अगर हम यहां पे एक पद ही है, यहां पे 0 लगा दें तो देखिए ये 0 घात हो गया, क्योंकि x का घात 0 क्या हो जाता है, 2 गुने 1, x का घात 0 1 हो जाता है, तो 2 ही होगा, यानी आप सिर्फ 2 या 3 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना बस समझाने के लिए था, ये संख्या में आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 2 3 4 5, तो ये आंसर हो जाएगा, मान लीजिए हम 2 ही लिखे हैं तो 2 आंसर हो जाएगा, क्योंकि घात x का घात 0 करेंगे तो 1 आएगा और 1 से गुना करेंगे तो फिर 2 ही हो जाएगा, तो इसका आंसर आप 2 3, आंसर तो 3 दिया हुआ है, तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 4 5 6 7 8 कुछ भी, ठीक है। तो ये हो गया 0 घात का एक पद ही, एक पद है और 0 घात है, देखिए 0 घात है, तो 0 घात लिखें या ना लिखें बात बराबर है, तो बस 2 आंसर इसका दे सकते हैं। अब देखिए 5 में 2 घात का त्रिपदी बहुपद। तो 2 घात कह रहा है तो यहां पे मान लीजिए हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है।
तो देखिए दो घात, तो दो घात सबसे ज्यादा होना चाहिए यहां पे, उसके बाद एक घात है, यहां पे कुछ नहीं है तो एक घात है। त्रिपदी यानी तीन पद, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो तीन घात हो गया, और सबसे ज्यादा घात दो हुआ, यानी दो घात का ये त्रिपदी बहुपद हो गया। अब देखिए सिक्स में चार घात का द्विपदी बहुपद, तो कोई भी ले सकते हैं आप। मान लीजिए हम लेते हैं एक्स का घात चार माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए द्विपदी बहुपद यानी दो पद का बहुपद है, और घात कितना है चार सबसे ज्यादा, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 आप हल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कोई आप अपने मन से भी कोई इसमें बदल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लिख रहा है प्रत्येक स्थिति में अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हैं, देखिए आंसर में भी लिख रहा है। तो बस ये ध्यान रखना है कि जितना कह रहा घात उतना सबसे ज्यादा घात होना चाहिए, और त्रिपदी कह रहा तीन पद, द्विपदी कहेगा तो दो पद, और एक पदी कहेगा तो एक पद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए में कह रहा है यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 तो P0 ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का ए, पी एक्स बराबर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब देखिए P0 ज्ञात करना है, तो देखिए हम लिखेंगे यहां पे पी एक्स के नीचे ही लिखेंगे P0 या P0। देखिए एक्स पी एक्स यानी एक्स का मान यहां पे देखिए एक्स सब जगह है, ठीक है, तो पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो P0 यानी एक्स के जगह पे हम जीरो रखेंगे, देखिए एक बीच में एक्स है तो वहां पे जीरो आ गया, तो अब हम एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, जीरो माइनस 2 × 0 + 1। देखिए यहां पे पी एक्स, तो एक्स के जगह पे क्या आ गया, जीरो, तो अब एक्स को हटा करके हम सब जगह जीरो रखेंगे, तो यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर माइनस 2x, तो 2 × 0 + 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 0 − 2 × 0 = 0 + 1, 0 का वर्ग 0 होगा। अब देखिए 0 − 0 + 1 क्या होगा, 1, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो देखिए P0 या P0 हम से ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो P0 कितना आएगा, 1 इसका आंसर। अब देखिए बी में, यदि क्यू एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x, एक्स का घात 3 माइनस 3x का घात 2 प्लस 3x − 1, तो क्यू 1 ज्ञात करें। तो देखिए क्यू एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स क्यू, एक्स का घात 3 को एक्स क्यू बोलते हैं, माइनस 3x² प्लस 3x − 1। तो देखिए अब हमसे कह रहा है कि क्यू 1 ज्ञात करें, तो यहां पे हम लिखते हैं क्यू 1, ठीक है। तो देखिए क्यू 1 यानी एक्स को हटा दिया, 1 आ गया है, तो अब एक्स के जगह पे हम 1 रखेंगे, तो देखिए यहां पे 1 का घात 3, ठीक है, माइनस 3 × 1 का घात 2 प्लस 3 × 1 माइनस 1, ठीक है। तो देखिए क्यू एक्स बराबर था एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x − 1, तो क्यू क्यू 1 आ गया है, मतलब एक्स को हटा दिया, 1 आ गया है, तो अब एक्स के जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है, जहां जहां एक्स है सब जगह एक्स रखेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए 1 का घात 3 कितना होगा, 1 ही होगा, माइनस 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो 3 × 1 3 ही होगा यहां पे, प्लस 3 × 1 3 होगा, -1 है उधर। तो अब देखिए 1 है यहां, +1 है, -1 है, तो खत्म हो गया, 0 आता है, -3 है और 3 है, क्या आग बचा, 0, ठीक है। देखिए -3 + 3 0 हो गया, और 1 − 1 0 हो गया, घट के 1 में से 1 गया 0, -3 में से 3 गया 0, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 0, ठीक है। तो क्यू एक्स बराबर इतना था, तो क्यू एक क्यू वन बराबर कितना आएगा, 0 इसका आंसर।
सी देखिए, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस चार एवं आर जेड बराबर सात जेड का घात तीन माइनस तीन जेड स्क्वायर प्लस पांच जेड प्लस चार, तो पी जीरो और आर जीरो में संबंध स्थापित करें। तो देखिए यहां पे पी एक्स बराबर दिया हुआ है और आर जेड बराबर इतना दिया हुआ है, तो पी जीरो और आर जीरो हमसे निकालना है, उसके बाद उसका संबंध स्थापित करना है। अब देखिए पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस चार, तो पहले हम पी जीरो निकाल लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे पी जीरो बराबर, तो देखिए एक्स के जगह पे जीरो आ गया, तो एक्स के जगह पे हम क्या रखेंगे, जीरो माइनस चार गुना जीरो प्लस चार। तो देखिए कितना आएगा, जीरो माइनस चार गुना जीरो जीरो प्लस चार, तो कितना आएगा आंसर, देखिए जीरो माइनस जीरो जीरो प्लस चार, कितना आएगा चार, यानी पी एक्स बराबर इतना है, तो पी जीरो बराबर कितना आ जाएगा चार। ठीक है, अब देखिए आर जेड बराबर कितना है, सात जेड क्यू माइनस तीन जेड स्क्वायर प्लस पांच जेड प्लस चार। तो यहां पे देखिए आर जीरो निकालना है, क्योंकि पी जीरो और आर जीरो में संबंध स्थापित करना है, तो अब आर जीरो निकालेंगे, यानी आर इस तरह से। तो देखिए जेड के जगह पे क्या आ गया, जीरो, तो अब हम जेड के जगह पे जीरो रखेंगे, तो सात गुने जीरो का घात तीन माइनस तीन गुना जीरो का घात दो प्लस पांच गुना जीरो प्लस चार। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। तो आर जेड बराबर इतना था, तो आर जीरो बराबर, यानी जेड के जगह पे जीरो रख दिए हैं। देखिए तो सात गुने जीरो का घात तीन कितना होगा, जीरो ही होगा, तो सात गुने जीरो जीरो माइनस तीन गुने जीरो जीरो प्लस पांच गुने जीरो जीरो प्लस चार। तो देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा और चार बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो अभी हम लाए थे पी जीरो, पी शून्य बराबर भी चार लाए थे और आर शून्य बराबर भी चार आए हैं। ठीक है, तो देखिए पी जीरो बराबर कितना लाए थे, चार, और आर जीरो बराबर भी चार आ गया है, यानी पी जीरो किसके बराबर है, आर जीरो के, तो यही इसका संबंध हो जाएगा। देखिए अभी लाए थे पी जीरो बराबर चार और आर जीरो बराबर चार आ गया, तो हम यहां पे लिखेंगे लिखेंगे अतः पी जीरो बराबर आर जीरो, यानी पी जीरो किसके बराबर है, आर जीरो का है, तो ही इन दोनों में संबंध है, दोनों बराबर है, क्योंकि कह रहा था कि पी जीरो और आर जीरो में संबंध स्थापित करें। तो देखिए दोनों का आंसर चार ही आया है, पी जीरो का भी चार आया है, आर जीरो का भी चार आया है, तो दोनों बराबर आया है, दोनों चार है तो दोनों बराबर है, इसलिए इसका संबंध हो जाएगा पी जीरो बराबर आर जीरो। ठीक है, तो यही इसका संबंध स्थापित करना था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हल कर देंगे, ए बी सी तीनों। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 अगले वीडियो में हल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद देखने के लिए।